हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम इंग्लिश की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। इसमें हम सबसे पहले स्टूडेंट्स से, किड्स से कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को वॉच करवाएंगे। उसके बाद उनको मैच करवाएंगे। इससे बच्चे को कैपिटल लेटर भी अच्छी तरह से आ जाएंगे और स्मॉल लेटर भी आ जाएंगे। तो हम कैपिटल लेटर को अपर केस बोलते हैं और स्मॉल लेटर को लोअर केस। तो सबसे पहले हम बच्चे से रीड करवाएंगे कैपिटल लेटर ए बी सी डी ई एफ, उसके बाद स्मॉल लेटर डी ई एफ बी ए सी। तो इस तरह से बच्चे को ए बी सी डी सीधा बोलना भी आएगा। जो ये हमने स्मॉल लेटर आगे पीछे लिखे हैं तो वो भी इन्फॉर्मेट में भी आएंगे उसे बोलने। तो सबसे पहले हम बच्चे को ए स्मॉल लेटर से मैच करवाना है ना कैपिटल लेटर को। तो सर्च करवाएंगे बच्चे से कि स्मॉल लेटर ए कहाँ है। इस तरह से हम कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर से मैच करवाएंगे बी। तो आप बच्चे को बोल सकते हैं कि आप इसमें सर्च करिए बेटा कि कहाँ पर है बी स्मॉल, सी, डी, सबसे ऊपर इस तरह ई। ये हमारा स्मॉल ई है और ये कैपिटल एफ। हमने यहां पर ए टू एफ ही दिए हैं मैच करने के लिए। आप ए टू जेड तक कोई भी लेटर मैच करवा सकते हैं इसी पैटर्न से। तो सेकंड पैटर्न है हमारा, हमने इसमें मिडिल साउंड फिल करवानी है बच्चे से। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चे को पिक्चर्स की पहचान होनी चाहिए। अगर बच्चे को पिक्चर्स की पहचान अच्छी तरह है तो वो फिल कर सकेगा, अदरवाइज उसको थोड़ा टफ लगेगा। तो इसके लिए आप, हमने वीडियो बना रखी है तो आप उसमें बच्चे को पिक्चर्स की पहचान करवा सकते हैं प्लस स्पेलिंग की भी। तो हमने यहाँ पर मिडिल साउंड, जो यहाँ पर एक लेटर मिस है वो फिल करवाना है। तो बच्चे को बी फॉर बैड तो स्पेलिंग पता ही होती है, बट उसे स्पेलिंग नहीं पता होती, पिक्चर की पहचान से वो बता देता है कि बी ए की बैट है। तो हमने यहाँ पर फिल करवाना है, इसमें साउंड आएगी ए इस तरह से। इन तीनों में सेम साउंड ही आएगी एच ए टी हैट। तो इसे फनिक साउंड, इसकी फनिक साउंड ए होती है जब हम बोलते हैं तो इसे ए बोला जाता है। एच ए टी हैट टी ए पी टैप। तो इन तीनों में सेम साउंड ए आ रहा है। तो हम बच्चे से इसी तरह फिल करवा सकते हैं। आप भी इसी तरह से कोई भी पिक्चर बनाकर बच्चे को इस तरह से, इस पैटर्न से सिखा सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्कशीट में हमने बच्चे को पिक्चर को दिखाकर इसका जो फर्स्ट फनिक साउंड है वो फिल करवाने हैं। अगर बच्चे को फनिक साउंड आती है तो बेटर है, अदरवाइज हमने फनिक साउंड पर एक वीडियो बना रखी है, एनिमेटेड वीडियो है, आप वो बच्चे को दिखा सकते हैं। तो इसका फर्स्ट लेटर होगा ए फॉर एप्पल, ए, सी। तो इसकी साउंड मैंने पीछे भी आपको बताई है, इसकी साउंड होती है ए। तो बाकी लेटर्स की भी साउंड हमने वहां पर सिखाई है। तो सी, इसका फर्स्ट लेटर होगा सी। तो इसका सी का फनिक साउंड होता है क। जब हम बोलते हैं तो यहाँ पर सी क कैट बोलते हैं, तो सी को हम यहाँ पर क बोलेंगे, कैट। और एफ को, ये फिश की पिक्चर है तो बच्चा पहचान लगेगा एफ को फिश। तो एफ की फनिक साउंड है फ। तो इसी तरह से हमने ए टू जेड तक के फनिक साउंड सिखा रखे हैं, आप बच्चे को वहां से सिखा सकते हैं। इसी पैटर्न से आप और पिक्चर से भी बच्चे को सिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्कशीट में हमने
ए सी बी, ए बी सी को हमने उल्टा लिख दिया है, आगे पीछे लिख दिया है, तो हमने इनको ऑर्डर में लिखवाना है, मीन्स इसको सीधा लिखवाना है कि ए के बाद क्या आता है, बी के बाद क्या आता है और सी के बाद क्या आता है। तो हमारा है फर्स्ट लेटर जैसे ए, तो फर्स्ट स्टार्टिंग ए से ही होती है, ए, ए के बाद बी। इस तरह से बच्चे को फॉर्मेट में एबीसीडी लिखनी आ जाएगी, बी के बाद सी। तो हमने इनको बिल्कुल सीधा कर दिया है, पी आर क्यू, तो राइट एबीसीडी तो पी क्यू आर होता है, तो हमने उसे पी क्यू और आर इस तरह से सीधा करना सिखवाना है, टी यू वी, टी यू वी। इसी पैटर्न से हम बच्चे से ए टू जेड तक के कोई भी लेटर्स करवा सकते हैं। इस वर्कशीट में हमने बच्चे से फनिक सॉन्ग करवाने हैं, मीन्स इनसे बच्चे से फनिक साउंड सुननी है। जैसे फर्स्ट है ए, तो ए को जब हम बोलते हैं तो उसमें कौन सी साउंड आती है, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया है कि हमने इस पर एक एनिमेटेड वीडियो बना रखी है, उसमें हमने बच्चे को ए टू जेड तक के फनिक साउंड जो भी हैं सब सिखा रखे हैं कि किस लेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं। जैसे पी, पी को हिंदी में प, इसकी साउंड आती है प, तो जब हम स्पेलिंग शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो वो प से बोली जाएगी। जैसे पी फॉर पैरेट, तो जब हम हिंदी में बोलेंगे तो प आएगी, पैरेट। तो इसी तरह ए टू जेड तक के उसमें साउंड है, तो हमने इसमें बच्चे से ओरल सुननी है कि इसमें कौन सी साउंड आती है। ए, बी, बी को ब, बी की साउंड होती है ब, सी, सी की साउंड होती है क, डी, डी की साउंड ड, ई, ई की साउंड ए, एफ की साउंड एफ, जो कि हमने पीछे इस वर्कशीट में सॉल्व की थी अभी। तो इसी तरह से आप बच्चे से फोनिक्स साउंड सिखा सकते हैं ए टू जेड तक के, जैसे जी, ग, एच। तो इसके लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं फनिक साउंड वाला, जिसका लिंक हम नीचे दे चुके हैं। अब इस वर्कशीट में हमने बच्चे से कलर फिल करवाने हैं, कलर मैच करवाने हैं स्पेलिंग से। तो फर्स्ट कलर है रेड, तो हमने बच्चे से पूछना है कि रेड कलर की स्पेलिंग कहाँ लिखी हुई है। जैसे यहाँ पर है रेड, तो हमने बच्चे को यहाँ पर रेड से मैच करवाना है। इसकी हम डबल प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चे से रेड। अब हमने इसी तरह से इधर भी सर्च करवाना है कि सेम कलर कहाँ है, इसमें बच्चे की डबल प्रैक्टिस होगी। पहले हमने कलर को स्पेलिंग से मैच करवाया, फिर स्पेलिंग को कलर से मैच करवाया, इस तरह से अब बच्चे की डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। ब्लैक, तो ब्लैक की स्पेलिंग दिस, और सेम कलर ब्लू, फर्स्ट ब्लू ये और सेकंड ब्लू, इस तरह से बच्चे की रिवीजन हो जाएगी बहुत अच्छी तरह से। ग्रीन, तो फिर हमने ग्रीन को सर्च करवाना है इस तरह से। तो आप भी इसी तरह से कोई भी कलर मैच करवा सकते हैं बच्चे की। इस तरह से वर्कशीट को सॉल्व करने से बच्चे का जो होल ब्रेन है डेवलप होता है और उसे इंटरेस्ट आता है स्टडी में। वो बच्चे को ये सब गेम लगता है, वो बच्चे को आपको पता ही है कि बच्चे को गेम खेलना पसंद होता है, तो हम गेम में बच्चे को हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं। इसी तरह से आप भी वर्कशीट को सॉल्व करवा सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।